हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही इजी एक चीजी सैंडविच। ये ब्रेकफास्ट बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए, ये एक चीजी सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। एक चीजी सैंडविच बनाने के लिए मैंने 4 ब्रेड स्लाइस लिया है और क्यूकम्बर एंड ऑनियन को ऐसे स्लाइस कर लिया। ये मैंने अमूल चीज लिया है और टोमेटो केचप एंड ग्रीन चटनी और 2 अंडे ले लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया और पैन गरम होते ही 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल को भी गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब अंडे फ्राई कर लूंगी। ये देखिए, अंडे को तोड़ के ऐसे पैन में डालना है और ऊपर से चुटकी जितना ही नमक छिड़क देती हूँ और चुटकी जितना ही लाल मिर्च पाउडर छिड़क देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डाले, नहीं तो मत डाले। अब इसको धीरे से पलट देती हूँ। ये अंडे का योग जो है ज्यादा पकाना नहीं है। ये देखिए, अंडे फ्राई हो चुकी है, अब एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब ऐसे ही और एक अंडे को फ्राई कर लूंगी। ऊपर से थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर छिड़क देती हूँ। ये देखिए, दोनों अंडे फ्राई कर लिया मैंने और प्लेट में निकाल लूंगी। और इसी पैन में ही ब्रेड को थोड़ा सा सेक लेंगे, दोनों साइड ऐसे सेक लेंगे। ये देखिए, ब्रेड को सेक लिया मैंने, अब सैंडविच बना लूंगी। ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा ग्रीन चटनी लगा लेंगे और थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा लेंगे ऐसे। दूसरे ब्रेड स्लाइस में भी ऐसे ही ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप लगा लेंगे और इसके ऊपर फ्राई किया हुआ अंडा रख देती हूँ और स्लाइस किया हुआ ऑनियन और स्लाइस किया हुआ क्यूकम्बर रख देती हूँ। और ऊपर से ये चीज जो है ऐसे ग्रेट कर देती हूँ। और इसी तरह से दूसरा सैंडविच भी बना लेंगे। ऐसे स्लाइस किया हुआ प्याज और स्लाइस किया हुआ क्यूकम्बर रख देती हूँ और ऊपर से ऐसे चीज को ग्रेट कर देती हूँ। और जो 2 ब्रेड स्लाइस है इसके ऊपर भी ऐसे ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों ब्रेड को लगा लिया मैंने। ये देखिए, एक चीजी सैंडविच बनके तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो पैन में थोड़ा सा गरम करके सैंडविच टोस्ट बनाकर खा सकते हैं। मैं ऐसे ही सर्व कर रही हूँ, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और बच्चे तो रोज़ यही मांगेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर फ्रेंड्स।